तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज आपके सामने विज्ञान में जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो आपके दैनिक जीवन से भी रिलेटेड है। आप इसको लाइट्स और टार्स को देखकर भी समझ सकते हो कि हाँ, ये चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं इसमें के जो शुरुआती चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम टॉपिक को देखेंगे तो है प्रकाश और प्रकाश यंत्र। प्रकाश यंत्र कह सकते हो या फिर प्रकाशिक यंत्र कह सकते हो, दोनों बातें सही है। तो पहले तो हम यही जान लेते हैं कि आखिर प्रकाश क्या है। आप ये कहोगे कि जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है लेकिन वो दिख नहीं रहा, वही प्रकाश है। तो प्रकाश की जो सीधी सी परिभाषा वो ये होती है कि प्रकाश वह है जो वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। हमारे पास अगर टॉर्च है, हम अंधेरे कमरे में जाएंगे तो हमको वस्तुएं तभी दिखाई देंगी जब हम टॉर्च को जलाएंगे। प्रकाश को अगर देखना भी है तो कैसे दिखेगा प्रकाश, जब आप अंधेरे में रहेंगे और टॉर्च को जलाएंगे तो जिस रास्ते से प्रकाश जाता रहता है वही हमको दिखता है कि हाँ, यहाँ से लाइट जा रही है, और प्रकाश देखने का कोई माध्यम नहीं होता। अगर मान लीजिए कि हमको प्रकाश दिखाई देने लगता तो हम पीछे जो चीज है उसको देख ही ना पाते। भाई, अगर हमारे बीच में प्रकाश है, अगर प्रकाश खुद दिखाई देता, बीच में एक दीवार लगा दूं मैं, समझ लो प्रकाश की दीवार है, तो प्रकाश हमको दिखाई देगा तो उसके पीछे की चीज तो नहीं दिखाई देगी ना। इसका मतलब यह है कि प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता, वो बाकी दूसरी चीजों को दिखाई देने में सहायता करता है। कोई चीज हमको दिखाई कैसे पड़ती है, जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है और पड़ने के बाद वो हमारी वहां से परावर्तित होता है, टकरा कर लौटता है, और लौटने के बाद वो हमारी आंखों में जाता है, और आंखों में जाने के बाद जो आंखों में उत्तल लेंस है उससे जब टकराता है तो फिर टकराने के बाद उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को समेटता है, और समेट करके वो रेटिना पर प्रतिबिंब बना देता है। तो जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, लेकिन हमारा जो दिमाग है उस चीज को वास्तविक उल्टा और छोटा जो प्रतिबिंब बना है उसको रियल बना देता है। मतलब रहेगी भाई, आंख तो इतनी बड़ी है ना, छोटा प्रतिबिंब बना है, उल्टा बना है, वास्तविक है, लेकिन उसको दिमाग कहेगा कि ये छोटा नहीं है बल्कि इतना बड़ा है, ये उल्टा नहीं है बल्कि सीधा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या हो गई, एक प्रकार की ऊर्जा है, और क्या करता है ये, देखने में क्या है, सहायक है, सहायक है। बिना प्रकाश के हम कोई चीज देख नहीं सकते। दूसरे नंबर पे आ जाता है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत का मतलब ये हो गया कि प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है। दो तरीके के प्रकाश के स्रोत होते हैं, पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा है कृत्रिम या फिर मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब क्या हो गया कि ऐसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, जिनमें इंसान का रोल नहीं है, जैसे सूर्य और जुगनू और स्टारफिश, तारा मछली जो होती है ना, कुछ ऐसे जीव हैं जो मतलब खुद जो है प्रकाश उत्पन्न करते हैं, है ना। चंद्रमा कभी प्रकाश का स्रोत नहीं है, ये ध्यान रखना, उसमें से प्रकाश निकलता नहीं है। सूरज का प्रकाश उस पर जब पड़ता है तो सूरज के प्रकाश से वो चमकता है, और उसमें से टकरा कर जो प्रकाश आता है उसी वजह से धरती पर भी थोड़ा सा उजाला रहता है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। तो प्राकृतिक स्रोत कौन से हो गए, ऐसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति ने बनाए हैं, इंसान का उसमें रोल नहीं है। फिर है कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जिसको किसने बनाया, इंसानों ने, जैसे बल्ब हो गया, टॉर्च हो गई, एलईडी हो गई, है ना। ये सारी चीजें कैसी हैं, मानव निर्मित हैं। दीपक हो गया, है ना, कैंडल, आग हो गई, लकड़ी से जला दो, ये क्या चीज है, ये मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं। फिर इसके बाद दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स,
दीप्त का मतलब ये हो गया जिनमें से प्रकाश उत्पन्न हो वो दीप्त होती है। एक तरीके से प्रकाश स्रोत की तरीके से हो गई ना ये, लेकिन प्रकाश स्रोत ज्यादा प्रकाश भी दे सकता है, लेकिन दीप्त वस्तुएं वो हैं जो थोड़ा सा भी प्रकाश निकाल रही हैं तो वो दीप्त हैं। कहने का मतलब ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करें, उत्पन्न हाँ वो क्या होती है, दीप्त होती है। और इसी का उल्टा अदीप्त वस्तुएं कौन सी हो जाएंगी, जो प्रकाश उत्पन्न ना करें, जो प्रकाश उत्पन्न ना करें। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पारदर्शी वस्तुएं। नामी है पारदर्शी, पार का मतलब जिसके आर पार, दर्शी मतलब दिखाई दे। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार दिखाई दे वे वस्तुएं होती हैं पारदर्शी वस्तुएं। जैसे हवा पारदर्शी है ना भाई, बीच में हवा है, यहां से आपके पास तक के बीच में काफी हवा है, लेकिन हमको उसके आर पार दिखाई दे रहा है। बिना पॉलिश किया हुआ कांच है ना, वो भी क्या होता है, जैसे चश्मे में लगा होता है, इस पार से उस पार दिखाई देता है ना, तो वो क्या हो गई, पारदर्शी वस्तु है। दूसरा है पारभासी या ट्रांसलूशेंट ऑब्जेक्ट्स। जो पारभासी वस्तुएं होती हैं वो कौन सी वस्तुएं होती हैं, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें से दिखाई तो देता है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता, ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ है। जैसे पर्दे के पीछे कोई चोर, चोर कौन है वो नहीं पता लगेगा, लेकिन पर्दे में धूमिल धूमिल दिखेगा कि हाँ कोई है ना। गंदा हुआ हो कोई शीशा, धूल चढ़ी हुई हो है ना, तो उसमें भी आर पार थोड़ा दिखाई तो देगा लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। कागज है, उस पर तेल गिर जाए तो उस कागज से भी आर पार दिखाई देने लगता है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो कहने का मतलब पारभासी, नामी पार भासी, आर पार आभास हो, केवल क्या हो, आभास हो, तो ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहा जाता है। फिर इसके बाद है अपारदर्शी वस्तुएं। नामी है अपारदर्शी, आर पार प्रकाश उसके जा ना पाए। जब प्रकाश आर पार जा ही नहीं पाएगा तो हमको उस पार क्या है वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। जैसे अभी हमारे सामने एक दीवार आ जाए तो आप लोग बैठे हो, ये हमको दिखाई नहीं देगा, तो दीवार क्या है, अपारदर्शी वस्तु है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट हम अगर अपने आंख के सामने हाथ भी रख दे रहे हैं तो हाथ के पीछे फिर क्या है वो हमको दिखाई नहीं देता है, तो हाथ भी क्या हो गया हमारा, अपारदर्शी। अब लगे हाथ ये भी समझ लो, कौन सी वस्तु पारदर्शी क्यों हो जाती है, कौन सी पारभासी क्यों हो जाती है और कौन सी अपारदर्शी क्यों हो जाती है। सारा खेल प्रकाश का होता है, किसका होता है, प्रकाश का। जिस वस्तु में प्रकाश आर पार जा सकता है, आर पार जा सकता है, कोई वस्तु हो, वस्तु है मान लीजिए कोई, सपोज कीजिए ये कोई एक वस्तु है और प्रकाश इसके आर पार चला जाए, प्रकाश इसके आर पार चला जाए, जितना इधर से जाए उतना अधिकतम प्रकाश आर पार चला जाए, तो वो क्या हो गया, जब आर पार प्रकाश चला जा रहा तो वो पारदर्शी है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो जाए कि कोई वस्तु हो लेकिन वो वस्तु ऐसी हो कि प्रकाश, पूरा प्रकाश उस पार ना जा पाए, इधर से अगर मान लीजिए प्रकाश जा रहा है तो बहुत थोड़ा मात्रा में प्रकाश उधर जा पाए बाकी जा ना पाए, तो ये हो जाती है पारभासी। क्या हो जाती है, पारभासी। और ऐसा अगर हो जाए कि कोई वस्तु हो, कोई वस्तु हो लेकिन ऐसी वस्तु हो कि जितनी प्रकाश किरणें जाएं एक भी उस पार ना जा पाए, कोई प्रकाश किरण उधर ना जा पाए, तो ये हो जाएगी कौन सी, अपारदर्शी। सारा खेल किसका है, प्रकाश का।